अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज में मानवता को किया जा रहा तार तार। इमरजेंसी में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के चलते दो लावारिस मरीजों को बेड से बांधकर अमानवीय तौर पर किया जा रहा है उपचार। मेडिकल प्रशासन भी अपनी सफाई देते हुए जता रहे मजबूरी। रेलवे पुलिस द्वारा 27 और 28 मार्च को दो लावारिस घायलों को उपचार के लिए इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जिनका उपचार चल रहा है। रेलवे पुलिस वाले लेके आए। कब लाए थे इनको? ये 28 तारीख को आया था एक तो, हाँ, और एक 27 को आया। अच्छा, किससे? ट्रेन से गिरे। अच्छा, वही मेडिकल कॉलेज के सीएम को कहना है कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, इन मरीजों के साथ कोई तीमरदा नहीं है, इसलिए इनके हाथ पैर बांध दिया गया है कि यह बेड से गिरे नहीं। इनको हड़ताल के बाद भी उपचार दिया जा रहा है। उनके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आज की ट्रिप जो है पूरी हो चुकी है, इंजेक्शन लग चुके हैं और फर्दर ट्रीटमेंट जो अब इवनिंग का है वो शुरू होगा। और सीनियर डॉक्टर तो देख रहे हैं और सीनियर रेजिडेंट भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, घायलों के हाथ पैर क्यों बांधे गए हैं? हाथ पैर भाई उनके साथ में कोई नहीं है ना, तो हमारे कुछ स्ट्रेचर्स में जो हैं साइड वो नहीं है, साइड गार्ड्स नहीं है, तो इसलिए कभी वो गिर जाएं उनके चोट वोट लग जाए इसलिए बांधे। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज से इस खबर की कवरेज के लिए प्रकाश सिंह, एबी लाइव न्यूज़, अलीगढ़।